ये आपने हाथ में क्या पकड़ा है? इसको बजाएंगे? आ गई और पीछे चल गई। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जंगल सफारी के बाद हम वापस अपने कैंप साइट पे आ गए हैं। सब लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया है। भावना और मयूरी सब्जी खिचड़ी रोटी वो बना रही है और मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। देखिए घर पे तो क्या होता है कि मैं, मेरे पापा और हरीश, शायद इससे ज़्यादा 3 या 4 लोगों का खाना बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा चखना करवाएंगे सूजी के हलवा का। तो जितनी सूजी थी मेरे पास, शायद ये है 500 ग्राम, इसका पूरा मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। अब देखते हैं मुझसे कैसा हलवा बनता है और लोग कितना पसंद करते हैं। सूजी से वैसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि सूजी का हलवा, अप्पम, साउथ इंडियन डिश जो है वो। एक सूजी का पैकेट ही ऐसा आप कैरी कर लीजिए, तो इसमें से बहुत सारी रेसिपी आप बना सकते हैं। So, दोस्तों आज रात को यहाँ पर बेगा नृत्य होने वाला है और ये जो आप देख रहे हैं सब नृत्य करेंगे और आए हैं बेगा नारंगी गांव से। अच्छा, खटिया नारंगी। हाँ, खटिया नारंगी गांव से। ये 30-35 लोग हैं, पुरुष भी है, महिला भी है। और देखिए इनके या गले में, मतलब कितना सुंदर है ये सब। हाँ। ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स। अरे वाह, ये आपने हाथ में क्या पकड़ा है? इसको बजाएंगे? अच्छा, उस तरह से। ये आपने अपने हाथ से बनाए? अच्छा, वेट। आपका नाम पूछ सकते हो? नाम? सितुबाई। सितुबाई। आपका? संतोषी। आपका? प्रेमवती। बता दो भाई, आपका नाम क्या है? राम प्यारी। आपका? रागिनी। अच्छा, वो क्यों शर्मा गई और पीछे चल गई? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आपका नाम क्या है? रजनी। और आपका? थैंक यू नीलू। महिलाएं हैं, उन्होंने थोड़ा स्कर्ट जैसा पहना है और जो आदमी है उन्होंने ऐसा लंबा तक पहना। जी जी जी। तो ऐसा क्यों? जो उनका पहनाव है, जो पुरुषों का पहनाव, इस नहीं हो, जो पुरुषों का पहनाव है उसी पहनाव को पहना गया है। अच्छा, जो पहले आपके पूर्वज जो पहनते थे जी जी जी, वही आपने अभी तक पहना है? और आपने जो ये सारे गहने जो पहने वो खुद बनाए क्या? जी जी, खुद बनाते हैं, इसको भी खुद बनाते हैं, जिसको भी खुद। इसका जो मोर पंख है ये पूजा करके, मतलब पूरा सिंगार को पूजा करके पहना जाता है। अच्छा, जैसे कि मोर की कलगी होती है ना, जी जी, उस तरह से ये बनाया हुआ। हाँ, कलगी। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, और जरूर से आप गुजरात पधारिए। जी जी, नहीं बुलाइए मैडम। Oh,
अच्छा बेगा जी, आपने बहुत अच्छा हमें डांस दिखाया। आपके जो संस्कृति, आपका जो कल्चर है, उससे हमें बताया, सबने पहली बार दिखाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो डांस है, इसके पीछे क्या कोई हिस्ट्री है, क्या कोई कहानी है क्या? जी जी, हिस्ट्री जो, हाँ जी जी, जो सबको मैं जय जोहार करता हूँ। मेरा नाम सोनसा बैगा है, ग्राम खटिया नारंगी और जिला मंडला है, मध्य प्रदेश के निवासी हूँ। और बैगा जनजाति वो राष्ट्रीय मानव पे आते हैं। तो हमारा जो बैगा आदिवासी जो कर्मा आप लोग देखते, ये कर्मा नृत्य थे। अच्छा। जो इस नृत्य को दशहरा से शुरुआत किया जाता है, और जो नृत्य किया गया है वो नृत्य है, मतलब जो आप लोग जैसे मेहमान आते हो तो उसी प्रकार का लोगों को हम एक रात वितंत करते हैं और वहाँ नाचते गाते हैं और देवी देवताओं की बारिश भी गाया बजाया जाता है। अच्छा। उसी प्रकार का हमारा ये नृत्य करता है। तो ये दशहरा शुरुआत होते तो फरवरी तक चलते हैं। अच्छा। फरवरी के बाद फिर जो बंद हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो अपने बाद में नगाड़ा बजाए थे शादी डांस, उसमें जन्म में ही बजाया जाता है, मरण और शादी में तीनों में बजाया जाता है। उसे गाँव जाके नृत्य करते हैं और मनोरंजन करते हैं और अभिलाषा भी करते हैं। तो इसीलिए हमारा बैगा कर्मा नृत्य कहा जाता है।